स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज हम लोग इंडेक्स देखने जा रहे हैं, जो भी सूचकांक है या रिपोर्ट दिया गया है रिपोर्ट, वो देखेंगे 2023 के लिए और 2024 में भी जो स्टार्टिंग में आए हैं, ठीक है ना। वो रिपोर्ट देखेंगे, क्लियरली देखेंगे, और ये घटना चक्र पे बनाया गया है पूरा रिपोर्ट, घटना चक्र का ही निचोड़ है, ठीक है। तो पहला रिपोर्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। ये 19वां रिपोर्ट जारी किया गया और इसमें 67 देश शामिल रहे। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। कब से जारी किया जाता है? 2005 से जारी किया जाता है, 2005 से। और ये भी ध्यान रखना कि हमेशा जब भी कॉप की बैठक होती है, जैसे अभी अभी तो अबू धाबी में 28वां नंबर का हुआ, उसी में ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो टॉप थ्री का वैकेंट रहा, 1 से 3 नंबर पर कोई नहीं देश रहा, कोई देश नहीं। चौथे नंबर पे हमारा कौन रहा? डेनमार्क रहा। अर्थात शीर्ष पे कौन रहा? डेनमार्क रहा। लास्ट पे कौन रहा? सऊदी अरब रहा, 67 नंबर पे। भारत कौन से नंबर पे रहा? इसका रैंक 7वां है। ध्यान रखना, इसके अंतर्गत जो CO2 उत्सर्जन दिया गया है वो 9वां स्थान दिया गया, किसके अंदर? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। और यही क्लियर कर दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा CO2 उत्सर्जन कौन करता है, तो पहले नंबर पे चाइना है, चाइना। दूसरे नंबर पे कौन है? US है। और तीसरे नंबर पे यूरोपीय संघ है, ध्यान रखना यूरोपीय संघ। अगर यूरोपीय संघ दिया हो तो वहां रुक जाना, अदरवाइज ऐसे देश के रूप में देखा जाए तो तीसरे नंबर पे भारत होता है, ठीक है ना, भारत आता है। तो ये भी बात ध्यान रखना। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम पत्रिका द्वारा दिया जाता है, 1927 से ये दिया जा रहा है। क्या टाइम पर्सन ऑफ द ईयर? 1930 में भारत की तरफ से महात्मा गांधी जी प्राप्त किए थे टाइम, उनको पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। अभी 2023 में टेलर स्विफ्ट को दिया गया, किसको? टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। और वहीं CEO ऑफ ईयर किसको दिया गया? सैम अल्टमैन को, जो OpenAI के क्या है, CEO है। और एथलीट 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 ऑफ द ईयर किसको दिया गया? एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी को दिया गया, ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं अर्जेंटीना के, उनको दिया गया, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। वैश्विक पेंशन सूचकांक, ये 15वां सूचकांक जारी किया गया, किसके द्वारा? मर्सद द्वारा जारी किया गया। नंबर वन पे कौन रहा? नीदरलैंड रहा। और भारत की रैंकिंग है 45वां। 2022 में कौन सा था? 41वां था। वैश्विक भूख सूचकांक देखा जाए तो 18वें नंबर का 18वां रिपोर्ट जारी किया गया, इसमें टोटल देश शामिल है 125 देश। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा जारी किया जाता है। कब से जारी किया जा रहा है? तो 2006 से जारी किया जा रहा है वैश्विक भूख सूचकांक। अगर क्षेत्र के मामले में देखा जाए तो सबसे कम भूख रहा कहाँ पे, भूख वाला क्षेत्र रहा हंगर, यूरोप और मध्य एशिया रहा। और सबसे खराब देखा जाए इस मामले में भूख सूचकांक में, तो दक्षिण एशिया और अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा रहा, वेरी इंपॉर्टेंट क्षेत्र में। अगर देश में देखा जाए तो कोई एक देश का नाम नहीं ले सकते हैं, लगभग 20 देश इसमें टॉप में शामिल हैं, ठीक है, जीरो हंगर के रूप में वहां पाया जाता है। अगर खराब, सबसे खराब देश के रूप में देखा जाए तो 125वें देश के रूप में मध्य अफ्रीका गणराज्य है। भारत का रैंक देखा जाए तो भारत का रैंक, भारत का 111वां है, किसमें? वैश्विक भूख सूचकांक में। ध्यान रखना कि ब्रिक्स में सबसे खराब रैंक या सबसे ज्यादा रैंक अगर देखा जाए तो कौन है? भारत है। ब्रिक्स में कौन कौन आते हैं? तो आपको ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आता है। उसमें सबसे खराब किसका प्रदर्शन रहा? भारत का। अगर भारत देखा जाए तो भुखमरी के गंभीर स्थिति में आता है, भुखमरी के गंभीर स्थिति में भारत को रखा गया है, ठीक है ना। वैश्विक नवाचार सूचकांक या वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में देखा जाए तो ये 2023 में 16वां संस्करण जारी किया गया, टोटल 132 देश इसमें शामिल है। विपो द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, विपो के द्वारा जारी किया जाता है। पहले पे कौन है? स्विट्जरलैंड। ये 13 वर्षों से टॉप पे है, किसमें? वैश्विक नवाचार सूचकांक में। उसके बाद दूसरे पे स्वीडन है और तीसरे पे US है। सबसे आखिरी में कौन है? अंगोला है 132वें नंबर पे। भारत का रैंक क्या है? 40 है और 2022 में भी 40 रैंक था। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग भी जारी किया गया, किसके द्वारा? US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी किया गया सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंक। तो सर्वश्रेष्ठ देश पूरे विश्व भर में कौन है? स्विट्जरलैंड है। दूसरे नंबर पे कनाडा है।
तीसवें नंबर पे कौन है? भारत है, जबकि 2022 में ये 31वें नंबर पे था। अच्छा, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की देखा जाए तो फोर्ब्स द्वारा जारी किया जाता है, फोर्ब्स पत्रिका है उसके द्वारा जारी किया जाता है। उसमें नंबर वन में अगर देखें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है, यूएस है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे पे जर्मनी है, चौथे पे जापान है और पांचवें नंबर पे भारत है। छठे नंबर पे यूके जोड़ने का मतलब सिर्फ इतना है कि कहा जाएगा कि पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था है भारत, बना है किसको पछाड़ के, तो यूके को पछाड़ के बना है, ठीक है ना, तो बस इसीलिए छठा जोड़ लिया। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक ये 17वां संस्करण जारी किया गया, 163 देश हैं इसमें। आईपी द्वारा जारी किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, ये सिडनी में ये है और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो शीर्ष पे कौन रहा, आइसलैंड रहा, दूसरे नंबर पे डेनमार्क रहा और तीसरे नंबर पे आयरलैंड रहा। सबसे आखिरी पायदान पे कौन रहा, 163वें रैंक के साथ अफगानिस्तान रहा और भारत का रैंक है 126वां। ध्यान रखना 126वां है वैश्विक शांति सूचकांक में। अच्छा, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक देखा जाए तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये WEF द्वारा जारी किया जाता है। 13वां संस्करण जारी किया गया, इसमें टोटल 120 देश को शामिल किया गया। नंबर वन पे कौन रहा, स्वीडन रहा। सबसे आखिरी पे कौन रहा, 120वें रैंक पे यमन रहा। भारत का रैंक क्या है, 67 है, ठीक है ना। सतत विकास रिपोर्ट 2023 देखा जाए, ये 8वां संस्करण जारी किया गया और किस शीर्षक के नाम से, तो इम्प्लीमेंटिंग द SDG स्टिमुलस के शीर्षक नाम से सतत विकास रिपोर्ट जारी किया गया। और किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो UNSDSN द्वारा जारी किया जाता है। इसमें फिनलैंड नंबर वन पे, स्वीडन दूसरे नंबर पे, डेनमार्क तीसरे नंबर पे। अच्छा, 166 देश इसमें शामिल थे, तो सबसे आखिरी पायदान पे कौन था, दक्षिणी सूडान था सतत विकास रिपोर्ट में। भारत कौन सा है, 112वां है। अगर भारत की रैंकिंग देखा जाए तो ब्रिक्स में सबसे खराब है, सबसे पुअर है सतत विकास रिपोर्ट में, ठीक है। कास्ट लिविंग सिटी रैंकिंग जारी किया गया, कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग, ये मर्सर द्वारा जारी किया गया। और ये किसके बेस्ट सिटी के रूप में किसको लिया जाता है, न्यूयॉर्क को लेता है जो मर्सर है कास्ट ऑफ लिविंग सिटी जारी करने में। उसमें सबसे महंगा शहर कौन रहा, हांगकांग रहा, ठीक है ना। और भारत का सबसे महंगा शहर कौन रहा, मुंबई रहा। भारत के इसमें जो कास्ट ऑफ लिविंग सिटी है 7 शहर को शामिल किया गया। अगर एशिया में सबसे सस्ता शहर देखा जाए तो कौन रहा, पाकिस्तान का इस्लामाबाद रहा। कौन, पाकिस्तान का इस्लामाबाद। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स देखा जाए तो EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, यूके में है। इसमें सबसे महंगा शहर वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग में, ध्यान रखना इस बात को कि क्या पूछा जा रहा है, कास्ट ऑफ लिविंग सिटी पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग पूछा जा रहा है। इसमें सबसे महंगा सिंगापुर और ज्यूरिख बताया, सबसे महंगा। और सबसे सस्ता कौन बताया, दमिश्क को बताया जो सीरिया की राजधानी है, सबसे सस्ता। अगर भारत में देखा जाए तो सबसे सस्ता कौन सा है, 166वें नंबर पे सबसे सस्ता है अहमदाबाद, ठीक है ना। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक का बारे में देखा जाए तो ये भी EIU द्वारा जारी किया जाता है। और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, नंबर वन पे रहा, ये लगातार दूसरे वर्ष नंबर वन पे रहा। और इसमें सबसे अशांति और संघर्ष वाला देश माना किसको, दमिश्क को माना। और एक रहने वाला 141वें नंबर पे ग्लोबल लिवेबिलिटी में सबसे रहने वाला कौन, दिल्ली को माना। इसमें ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक में 5 शहर भारत के शामिल किए गए हैं, ठीक है ना। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट देखा जाए, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो WEF जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। 17वें ये संस्करण जारी किया गया, इसमें टोटल 146 देश शामिल किया गया। कब से वैश्विक लैंगिक अंतराल जारी किया जा रहा है, 2006 से जारी किया जा रहा है और 4 डायमेंशन या 4 आयामों पे जारी किया जा रहा है। पहला कौन है, आइसलैंड, दूसरे नंबर पे है नॉर्वे, तीसरे नंबर पे है फिनलैंड, ठीक है ना। सबसे आखिरी पायदान पे 146वें रैंक पे अफगानिस्तान है। भारत 127वें पे है और भारत 127वें पे है और 2022 में 135वें है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना इस बात को, वैश्विक लैंगिक अंतराल और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट दोनों ध्यान देना, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत अंतर है, ठीक है ना। तो उसको बड़े ध्यान से, दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में, तो इस पे बड़ा फोकस रखना। विश्व प्रतिस्पर्धा
प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 35वां जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया? आईएमडी द्वारा। ये स्विट्जरलैंड में है आईएमडी, ये 1989 से जारी करता है। इसमें नंबर वन पे कौन है? डेनमार्क है, देन आयरलैंड है, देन स्विट्जरलैंड है। 64वें नंबर पे कौन है? आखिरी नंबर पे वेनेजुएला है। भारत का रैंक क्या है? 40वां है। अगर एशिया प्रशांत क्षेत्र में देखा जाए तो 12वां है। कौन सा है? 12वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक देखा जाए तो 2023 जो जारी किया गया वो कौन से नंबर का था? 21वें नंबर का रिपोर्ट जारी किया गया। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो एनजीओ है उसके द्वारा जारी किया जाता है। इस विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नंबर वन पे नॉर्वे रहा, ये 7 वर्षों से नंबर वन पे है। भारत का रैंकिंग विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161वां है, जबकि 2022 में क्या था? 150वां था। अच्छा, वैश्विक दासता सूचकांक में देखा जाए, वैश्विक दासता सूचकांक वर्क फ्री फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया में है ये वर्क फ्री फाउंडेशन। इसमें सबसे ज्यादा दासता कहाँ पे है? उत्तर कोरिया में है, सबसे उसके बाद अफगानिस्तान में है। सबसे कम दासता वाला देश कौन सा है? 160वें नंबर पे स्विट्जरलैंड है। भारत 6वें नंबर पे है, ध्यान रखना। विश्व के व्यस्तम हवाई अड्डे के जारी किया गया, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है विश्व के व्यस्तम हवाई अड्डे में। तो देखो, कुल यात्री के मामले में अगर पूछा जाए, आवागमन के मामले में, तो अटलांटा जीए था। लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय यात्री आवागमन में पूछा जाए तो नंबर वन पे कौन था? दुबई था। यही हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखा जाए दिल्ली वाला, ये 9वें नंबर पे था। कौन से? 9वें नंबर पे। अच्छा, सर्वाधिक विद्युत मांग वाला देश देखा जाए या CO2 उत्सर्जन में भी देखा जाए तो ये किसके द्वारा जारी किया गया? एम्बर द्वारा जारी किया गया। एम्बर द्वारा नंबर वन पे कौन है सर्वाधिक विद्युत की मांग में या CO2 के उत्सर्जन में? चीन है। दूसरे नंबर पे US है और तीसरे नंबर पे भारत है। तो CO2 के उत्सर्जन में भी भारत तीसरे नंबर पे है और सर्वाधिक विद्युत मांग में भी तीसरे नंबर पे। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 11वां संस्करण जारी किया गया। इसमें टोटल 137 देश शामिल रहे। UNSDSN द्वारा जारी किया जाता है। कब से? 2012 से जारी किया जाता है। अच्छा, नंबर वन पे कौन रहा? फिनलैंड रहा। दूसरे पे डेनमार्क रहा और तीसरे पे आइसलैंड रहा। सबसे आखिरी पे कौन रहा? अफगानिस्तान रहा। कौन रहा? अफगानिस्तान रहा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो भारत का रैंक क्या रहा? भारत का रैंक रहा 126वां भारत का, और 2022 में था 136वां। ठीक है ना, पिछले बार 136वां ये पूछा जा चुका है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 देखा जाए, 10वां संस्करण जारी किया गया 163 देशों में। किसके द्वारा जारी किया जाता है? IEP द्वारा जारी किया जाता है। नंबर वन पे कौन है? अफगानिस्तान। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में मतलब सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश कौन है? अफगानिस्तान है। 13वें नंबर पे भारत है। ठीक है ना, अब अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2018 और 2022 के डाटा पे ये जारी किया गया है। सिप्री के द्वारा जारी किया जाता है जो स्टॉकहोम में है उसके द्वारा। निर्यात में देखें तो सबसे ज्यादा शस्त्र निर्यात किसके द्वारा किया जाता है? US के द्वारा, उसके बाद रूस के द्वारा, तीसरा फ्रांस के द्वारा, चौथा चीन के द्वारा। आयात में देखा जाए तो सबसे नंबर वन पे कौन है? भारत है। ठीक है ना, दूसरे नंबर पे सऊदी अरब है, तीसरे नंबर पे कतर, चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, पांचवें नंबर पे चीन है। अच्छा, भारत सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो आयात कहाँ से करता है? शस्त्र की आपूर्ति करता के रूप में कौन भारत को सबसे ज्यादा शस्त्र आपूर्ति करता है? तो रसिया करता है। ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट, लेगाटम समृद्धि सूचकांक देखा जाए तो ये सूचकांक 16वां संस्करण जारी किया गया लेगाटम इंस्टीट्यूट के द्वारा जो लंदन में है। नंबर वन पे कौन रहा? डेनमार्क रहा। सबसे खराब रहा 167 रैंक पे दक्षिण सूडान, और 103वें रैंक पे कौन था? भारत। जबकि 2022 में कौन से रैंक पे था लेगाटम पे? ये 100वें स्थान पे था। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक देखा जाए तो ये 29वां रिपोर्ट जारी किया गया। किसके द्वारा? द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। कब से जारी किया जा रहा है ये रिपोर्ट? 1995 से जारी किया जा रहा है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। नंबर वन पे कौन है? सिंगापुर है। और भारत का रैंक क्या है? 131वां आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक या इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में देखा जाए तो ये 11वां नंबर का है, और US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। कब से जारी किया जा रहा है? तो 2012 से जारी किया जा रहा है। नंबर वन पे कौन रहा? US अमेरिका, दूसरे पे UK रहा, तीसरे पे फ्रांस रहा। भारत इसमें 42वें नंबर पे रहा, ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42वें नंबर पे भारत रहा।
और इसके तहत बताया गया कि भारत निम्न मध्य आय वाला देश है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ये 28वां संस्करण जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। नंबर वन पे कौन रहा? डेनमार्क। दूसरे नंबर पे फिनलैंड। तीसरे नंबर पे न्यूजीलैंड। सबसे आखिरी में कौन था? 180वें रैंक पे सोमालिया। और भारत का रैंक क्या रहा? 85वां रहा, ठीक है, 85 रहा। मानव स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में देखा जाए तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक, ये 9वां संस्करण जारी किया गया। कैटो इंस्टीट्यूट है यूएस में उसके द्वारा, और फ्रेजर इंस्टीट्यूट है कनाडा, कनाडा उसके द्वारा जारी किया जाता है, कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। नंबर वन पे स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पे डेनमार्क, और भारत का रैंक है 109वां मानव स्वतंत्रता सूचकांक में। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वर्ल्ड टैलेंट कॉम्पिटेटिव इंडेक्स के बारे में देखा जाए तो इनसेट बिजनेस स्कूल के द्वारा जारी किया जाता है। नंबर वन पे कौन है? स्विट्जरलैंड। 134वें आखिरी पे कौन है? चाड। और 103वें नंबर पे कौन है? भारत है। 103 नंबर पे है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में देखा जाए तो ये एड है, चैरिटीज एड फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है, इसको सुधार कर लेना। और ये इसमें नंबर वन पे कौन है? इंडोनेशिया है। सबसे आखिरी पे कौन रहा? पोलैंड में। और भारत का रैंक क्या रहा? 43वें नंबर पे। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में नंबर वन पे कौन रहा? इंडोनेशिया रहा, और 43वें नंबर पे भारत रहा। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया गया 2024, 16वां संस्करण जारी किया गया। एक्चुअली में क्यूएस ब्रिटिश कंपनी है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। तो एशिया में सबसे नंबर वन पे कौन है? पेकिंग विश्वविद्यालय चाइना का है, चाइना का है वो। और भारत में नंबर वन पे कौन रहा? आईआईटी बॉम्बे रहा। इस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो क्यूएस है उसमें सर्वाधिक विश्वविद्यालय भारत के शामिल रहे, कितने? 148। ये भी बात ध्यान रखना। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 देखा जाए, 20वां संस्करण जारी किया गया टाइम्स पत्रिका के द्वारा। नंबर वन पे कौन रहा? ध्यान रखना, टाइम्स वैश्विक में ऑक्सफोर्ड रहा, 8 वर्षों से लगातार नंबर वन पे है। इसमें देखा जाए तो इंडिया के टॉप 200 में कोई देश शामिल नहीं है, जबकि आईएससी बेंगलुरु देखा जाए तो 201 से लेके 250 का जो ग्रुप है उसमें आईएससी बेंगलुरु शामिल है। और वहीं एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बीएचयू ये 601 से लेके 800 के ग्रुप में ये भी शामिल है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट देखा जाए आखिरी इंटरनेशनल में तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सूचकांक 2024 जो जारी किया गया वो 20वां था। इसमें टोटल 1498 विश्वविद्यालय शामिल किए गए। एमआईटी जो है वो 12 वर्षों से लगातार नंबर वन पे है, यूएस के एमआईटी। और भारत का आईआईटी बॉम्बे 149वें या भारत का नंबर वन रहा। कुल विश्वविद्यालय अगर देखा जाए भारत के इस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सूचकांक में 45 शामिल है। ध्यान रखना क्यूएस वर्ल्ड का भी है और एशिया का भी है, तो गलती मत करना, ठीक है ना। अब आ जाते हैं नेशनल पे। नेशनल पे देखा जाए तो नेशनल राष्ट्रीय में पहला रिपोर्ट जारी किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। कब से जारी किया जाता है स्वच्छ सर्वेक्षण? 2016 से जारी किया जाता है ये रिपोर्ट। पहला रिपोर्ट 2016 में जारी किया गया था और ये 8वां संस्करण है जो जारी किया गया है। इसमें 4477 शहरों को आकलन किया गया। कितने शहरों का? तो 4477 शहरों का आकलन किया गया। इसमें 88 गंगा शहरों का भी आकलन किया। अगर देखा जाए तो ये 8वां संस्करण है और शुरू में जब 2016 में भी जारी किया गया था तब भी विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण था और आज भी है 8वें में भी। 7वीं बार लगातार, ध्यान रखना 7वीं बार लगातार शीर्ष पे कौन रहा? इंदौर रहा, और सूरत भी फर्स्ट नंबर पे रहा समग्र में देखा जाए तो, ठीक है ना। तो अगर 100,000 से अधिक जनसंख्या में देखें तो नंबर वन पे कौन है? इंदौर और सूरत है, ठीक है। तीसरे नंबर पे नवी मुंबई है और चौथे नंबर पे विशाखापट्टनम है। अगर पूछ लिया जाए कि साउथ इंडिया का सबसे नंबर वन पे स्वच्छता में कौन रहा तो विशाखापट्टनम आप मारोगे। 100,000 से कम जनसंख्या में देखें तो सासवड़ रहा, ये महाराष्ट्र का है, और पाटन छत्तीसगढ़ का दूसरे नंबर पे रहा। शीर्ष राज्य में देखा जाए तो इस बार पलट हो गया, पहले महाराष्ट्र एमपी होता था, इस बार शीर्ष राज्य में स्वच्छ सर्वेक्षण में महाराष्ट्र नंबर वन पे रहा, दूसरे नंबर पे एमपी रहा, तीसरे पे छत्तीसगढ़ और चौथे पे ओडिशा रहा। यूपी के स्थान देखें तो 9वें स्थान पे रहा। अगर गंगानगर में देखा जाए, सिर्फ गंगानगर में तो टॉप फाइव में से
चार थे यूपी के हैं, पहला बनारस, बनारस नंबर वन पे, दूसरा प्रयागराज, तीसरा बिजनौर, और पांच में से हरिद्वार चौथे नंबर पे आता है। अगर स्वच्छ छावनी में देखा जाए कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन रहा, तो महू छावनी है जो एमपी का, वो रहा। अगर सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर के रूप में देखा जाए तो कौन रहा, चंडीगढ़ रहा। यूपी की स्थिति देखा जाए +1 लाख में, तो नोएडा 14 नंबर पे रहा। इसी को 5 स्टार कचरा मुक्त शहर के रूप में भी घोषित किया गया है नोएडा को, तो 14वें नंबर पे रहा। 38वें नंबर पे गाजियाबाद, 40वें नंबर पे अलीगढ़, 41वें नंबर पे बनारस और 44वें नंबर पे लखनऊ। ध्यान रखना, कभी मिलाने के लिए दे दे तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यूपी के सबसे ज्यादा अगर देखा जाए टॉप 1 लाख में कौन रहा, नोएडा रहा। ठीक है ना, नोएडा से चलोगे तो गाजियाबाद आओगे, गाजियाबाद से चलोगे तो अलीगढ़ आओगे, ठीक है ना, उसके बाद बनारस चले जाना। ठीक, आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष राज्य या यूटी को घोषित किया गया। तो आजादी के अमृत महोत्सव में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन था, जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे गुजरात और तीसरे नंबर पे हरियाणा था। अगर मंत्रालय में देखा जाए तो सबसे नंबर वन पे था विदेश मंत्रालय, सेंट्रल जो केंद्रीय विदेश मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय, और तीसरे नंबर पे रेलवे मंत्रालय था। तो ये भी ध्यान रखना। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किया गया, पुरस्कार दिया गया पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। इसमें 35 गांवों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें से 5 गांवों को गोल्ड मिला, 10 गांवों को सिल्वर मिला और 20 गांवों को ब्रॉन्ज मिला। ठीक ना, कहाँ से मिला, तो उसमें सबसे पहला सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में देखा जाए तो दावर को घोषित किया है। ध्यान रखना, पर्यटन मंत्रालय वाली बात हो रही है। बांदीपुरा जिला का जो जम्मू कश्मीर का है, उसको पहला रैंक मिला, ठीक है ना, गोल्ड। अगर यूपी की बात करें तो कुरौना, कुरौना ग्राम है बनारस जिला में, उसको सिल्वर मिला है, ठीक है ना, एकमात्र गांव है यूपी का। वैसे ही आयुष्मान भारत के अंतर्गत देखा जाए तो सर्वाधिक संख्या में उपचार करने वाले राज्य में देखा जाए तो सबसे बड़े राज्य में कौन सबसे ज्यादा उपचार किया है, तो केरल किया है। और सबसे छोटे राज्य में सबसे ज्यादा उपचार कौन किया है, मेघालय किया है। और यूटी में सबसे ज्यादा उपचार आयुष्मान भारत के तहत कौन किया है, पुडुचेरी किया। सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड अगर देखें बनाने में, तो सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड किसने बनाया है, बड़े राज्यों में असम बनाया है, छोटे राज्यों में नागालैंड बनाया है और यूटी में जम्मू कश्मीर बनाया है। अच्छा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 जारी किया गया। इसमें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, कब किया गया था ये पूछ लिया जाता है, तो 2019 में स्टार्ट किया गया था। और इसमें कुल शहर कितने शामिल हैं, 131 शहर शामिल हैं। 10 लाख से अधिक शहरों में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में नंबर वन कौन रहा, इंदौर रहा, इंदौर रहा, ठीक है ना, इंदौर रहा। दूसरे नंबर पे आगरा रहा और तीसरे नंबर पे ठाणे रहा महाराष्ट्र का। अगर टॉप 10 में देखा जाए तो टॉप 10 का मात्र एक यूपी है, आगरा, इसमें, ठीक है ना, दूसरे नंबर पे। 3 से 10 लाख की जनसंख्या में देखें तो नंबर वन पे कौन रहा, अमरावती, अमरावती कहाँ में, महाराष्ट्र में। उसके बाद मुरादा यूपी, मुरादाबाद यूपी में, और गुंटूर एपी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। तो ये टॉप 3 रहा। और इसमें टॉप 10 में, इसके टॉप 10 में यूपी के कितने शहर शामिल हैं, 4 शहर शामिल हैं, जबकि दूसरे नंबर पे हाईएस्ट पे मुरादाबाद है। 3 लाख से कम जनसंख्या पे देखें तो परवाणु है जो हिमाचल प्रदेश का, वो टॉप पे रहा। और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश का रायबरेली रहा। तो टॉप 10 में इसमें भी एक ही शहर शामिल है, कौन, रायबरेली, ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखें तो इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2022 में, ये कब से दिया जा रहा है, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड, ये पहली बार 2018 में दिया गया था। और इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड में इंदौर नंबर वन पे रहा, सूरत दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आगरा रहा, इंपॉर्टेंट है। और अगर राज्य के मामले में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंडिया स्मार्ट सिटीज में एमपी को अवार्ड नंबर वन पे मिला, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे रहा और राजस्थान और यूपी तीसरे नंबर पे रहा, ध्यान रखना, राजस्थान यूपी। और यूटी में सबसे नंबर वन पे कौन रहा, चंडीगढ़ रहा। अच्छा, राष्ट्रीय एमपीआई देखा जाए तो ये
राष्ट्रीय एमपीआई किसके द्वारा निकाला जाता है? नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है। पहली बार निकाला गया था 2021 में, अभी दूसरा संस्करण निकाला गया है। टोटल 12 संकेतों पे निकाला जाता है, जबकि यूएनडीपी निकालती है वो 10 संकेतों पे निकालती है। ध्यान रखना, दो संकेत इस पे जोड़ दिया गया है, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन जोड़ दिया गया, दूसरा महिलाओं की स्वास्थ्य को जोड़ दिया गया भारत में, ठीक है ना, जबकि यूएनडीपी में नहीं शामिल है। तो सर्वाधिक एमपीआई वाले राज्य की बात करें तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक मल्टी पॉवर्टी में देखा जाए तो कौन है? बिहार है सबसे ज्यादा, उसके बाद झारखंड है, और नॉर्थ ईस्ट में नंबर वन पे कौन है? मेघालय है। चौथे नंबर पे यूपी आता है। सबसे कम एमपीआई जनसंख्या वाला कौन सा है? केरल है, वहां पे मात्र 0.55% लोग क्या है, मल्टी एमपीआई जनसंख्या रहती है, मतलब मल्टी पॉवर्टी, ठीक है ना। यूपी की स्थिति देखा जाए तो सर्वाधिक एमपीआई जिला कहाँ कौन है यूपी में? तो बहराइच है। कहाँ? वहां पे 54 लगभग 55% के या 54% के बहराइच में रहते हैं एमपीआई। उसके बाद श्रावस्ती और तीसरे नंबर पे बलरामपुर। तो बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर है टॉप एमपीआई जिला यूपी का। न्यूनतम एमपीआई कहाँ पे है? तो गाजियाबाद में है, दूसरे नंबर पे लखनऊ है, तीसरे नंबर पे कानपुर है। ये ध्यान रखना, इस पे फोकस रखना, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, ठीक है ना। अच्छा, ये भी बात बता दें कि अगर यूएनडीपी जब निकाल रहा था तो यूएनडीपी कब से अपना रिपोर्ट निकालता है? ये एसडीआर निकालता है, एसडीआर निकालता था 1997 से, 1997 से निकालता था। और यूएनडीपी ने एसडीआर में एमपीआई कब जोड़ा था, ये मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स कब जोड़ा था? ये 2010 में जोड़ा था, तब से निकालते आ रहा है यूएनडीपी एमपीआई, ठीक है ना। लेकिन ये भारत के बारे में है, भारत कब से नीति आयोग 2021 से स्टार्ट किया, ये दूसरा संस्करण 2023 वाला जारी किया है, ध्यान रखना, ठीक है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में देखा जाए, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तो ये 2019 से जारी किया जा रहा है। कौन जारी कर रहा है? फसाई जारी कर रहा है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। ये पांचवा जारी किया है। इसमें नंबर वन पे कौन है? ध्यान रखना, बड़े राज्यों में केरल है, उसके बाद पंजाब है, देन तमिलनाडु है, देन एमपी है, पांचवें नंबर पे यूपी है। पांचवें नंबर पे कौन है? यूपी है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में। छोटे राज्यों में देखा जाए तो नंबर वन पे गोवा है, दूसरे नंबर नॉर्थ ईस्ट का मणिपुर आ जाता है, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का सिक्किम आ जाता है। यूटी में देखा जाए तो यूटी में देख लेना, ध्यान देना, जम्मू कश्मीर नंबर वन पे है, तब दिल्ली है, क्लियर। तो ये हुआ हमारा कौन सा? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। अब देखो निष्पादन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ये पहली बार 2019 में जारी किया गया था निष्पादन ग्रेडिंग इंडेक्स। इसमें 10 ग्रेडों में विभक्त किया गया है। मजे की बात है कि कोई भी राज्य या यूटी दक्ष, उत्कर्ष, अति उत्तम, उत्तम और प्रचेष्टा वन में शामिल नहीं है, कोई भी नहीं शामिल है राज्य या यूटी। प्रचेष्टा टू में एकमात्र चंडीगढ़ और पंजाब को शामिल किया गया है, जबकि यूपी किस में आता है? आकांक्षी दो में आता है। तो निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक भी ध्यान रखना। अच्छा, NIRF रैंकिंग जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया जाता है? NIRF रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, पहली बार 2016 में जारी किया गया था, ये आठवां संस्करण जारी किया गया। अगर समग्र श्रेणी में देखा जाए रैंकिंग में, NIRF रैंकिंग में, तो IIT मद्रास है, उसके बाद दूसरा IISc बेंगलुरु है, तीसरे नंबर पे IIT दिल्ली है, और पांचवें नंबर पे जो यूपी का है IIT कानपुर है। अगर विश्वविद्यालय टॉप विश्वविद्यालय श्रेणी में देखा जाए, विश्वविद्यालय श्रेणी में टॉप पे कौन रहा? तो IISc बेंगलुरु रहा। वही कॉलेज की श्रेणी में देखा जाए तो मिरांडा हाउस टॉप पे रहा। अनुसंधान के श्रेणी में देखा जाए तो IISc बेंगलुरु रहा। नवाचार के श्रेणी में देखा जाए तो टॉप पे कौन रहा? IIT कानपुर रहा। और MBA में देखा जाए तो IIM अहमदाबाद रहा। और चिकित्सा में तो जानते ही हो कि एम्स दिल्ली हमेशा रहता है, ठीक है ना। तो भारत में जल निकायों की प्रथम गणना हुई, और किसके द्वारा किया गया? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अगर जल निकायों की संख्या ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, देन यूपी में है, देन आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखना, इरिगेशन में भले यूपी नंबर वन है, लेकिन वाटर बॉडीज की संख्या में सबसे ज्यादा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है।
अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि शहरी क्षेत्र में अगर वाटर बॉडीज देखा जाए और ग्रामीण क्षेत्र में वाटर बॉडीज के देखा जाए जल निकायों की, तो वेस्ट बंगाल दोनों में नंबर वन पे है, लेकिन शहरी क्षेत्र में तमिलनाडु है और चौथे नंबर पे यूपी आता है शहरी क्षेत्र में, और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र पे दूसरे नंबर पे यूपी आता है, तीसरे नंबर पे एपी आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल रैंकिंग था। अच्छा, कैसा लगा आप लोगों को, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। इसके बाद इंटरनेशनल में जब इंटरनेशनल घटनाचक्र का पढ़ाएंगे तो एक जगह हमने ये सूचकांक बता दिया तो हेडेक आप लोग का कम होगा। इसको हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर आप लोग नहीं ज्वाइन किए हो तो वहां ज्वाइन कर लेना, वहां से इसका पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।